जैसा हम सब जानते हैं कि COVID-19 की वजह से जो हमारा नेशनल लेवल लॉकडाउन हुआ था, जिसमें J&K में भी बंदिश लागू हुई थी एज पर द सेंट्रल गाइडलाइंस, तो उसके बाद जब आपको पता है कि सारा कुछ बंद हो गया, तो फिर जब SOP इशू हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि बहुत सी परमिसेबल एक्टिविटीज हमने कैरी ऑन करने हैं क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है, तो उस SOP में बाज़ाब्ता तौर ये बताया गया था कि क्या क्या जो है प्रिकॉशंस लेने हैं। तो उस सिलसिले में हमने यहां डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में मोर देन 350 वर्क्स नए जो है रिज्यूम किए, तो तकरीबन जो है 29,000 के आसपास PDs हमने जनरेट किया। तो हमारा आउटरीच बिल्कुल चल रहा है, हम हर एक एरिया में जाते हैं काम को देखने के लिए। आज भी मैं गया था, ब्लॉक गुंड गए थे, वहां पे हमें सुनमर्ग ए में नीलग्रा जो हमारा पंचायत हल्का है वहां में काम देख के आया हूं MG नरेगा के। इसी तरह से जो हमारा जो है गगनगीर में हमारे MG नरेगा या 14th FC CD पंचायत के काम, ये हमारे ऑन गोइंग सब चल रहे हैं। तो ये हमारे ये सब देखने का मकसद ये है कि सबसे पहले कि लोगों को जो है रोजगार मिले, उस सिलसिले में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिल्कुल उनके साथ है और हर एक स्टेप पे सुपरविजन हो रहा है, चाहे ये टॉप लेवल से हमारे ऑनरेबल एडवाइजर साहब हो, वो खुद जैसा आप खुद देखते होंगे कि वो खुद जाते हैं हल्कों में डिस्ट्रिक्टों में काम देखने के लिए रूरल डेवलपमेंट के, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमारे जो सुपरविजन होता है, इसी तरह से हर एक लेवल पे ये सुपरविजन होता है। हम बाज़ाब्ता इस चीज को एडहर करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा वर्कर्स है रूरल एरियाज में वो अपना डिग्निफाइड लेवलीहुड हासिल करें, और ये हम अपना हक समझते हैं कि जितने भी हमें SOP में जो प्रीरिक्विस्ट बताए गए हैं कि हाउ किस तरह से जो हमने वहां पे हैंड सैनिटाइजर उनके लिए रखना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग वो एडहेयर कर रहे हैं, और इनके साथ साथ जो ये चल रहा है तो वो अपना रोजगार भी इंशाल्लाह अच्छी तरह से कमा रहे हैं। थैंक यू।